हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी प्लैनेट रिएक्ट। सो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विशाल, मैं हूं चैताली। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। गाइस, ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है अनेक का। अनुभव सिन्हा की मूवी है आयुष्मान खुराना, काफी दिनों बाद हमें देखने को मिलने वाले हैं। 27 मई को मूवी रिलीज होने वाली है। बहुत दिनों बाद आयुष्मान खुराना की मूवी आ रही है। थोड़े से क्रेडिट देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा, प्रोड्यूस बाय भूषण कुमार, किशन कुमार एंड अनुभव सिन्हा। 27 मई 2022 को मूवी आ रही है। स्टोरी एंड डायलॉग है अनुभव सिन्हा के, स्क्रीन प्ले है अनुभव सिन्हा एंड सीमा अग्रवाल, यश केसवानी, और लीड रोल में है आयुष्मान खुराना। काम करते हैं, पहले ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कितना अच्छा लगता है आवाज सुनकर। इंडिया इंडिया, मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। पार्लर वाली है? ये पार्लर है। अगर आइडियो को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? हमको चिंकी बुलाते हैं। वी डिड नॉट वांट इंडिया हियर। नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप्स थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? रिसर्च लो, मैं बाहर निकाल लूंगा। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं। 40 विलेजेस में पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट। इसको रोकना होगा टाइगर सांगा। बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी, अभी जॉनसन। डिस्ट्रॉय द होल ग्रुप। जॉनसन कौन? आई डोंट नो। जॉनसन लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। दे आर द पीपल्स वॉइस। पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी। और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं भी नहीं। Violence is not a solution. Surrender कर दो। अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट। टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था त्रिपुरा मिजोरम का कैपिटल है ना, इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ? साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू अ नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, अपना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जीतेगा कौन? हिंदुस्तान। ओके, तो यहाँ पे ट्रेलर खत्म। और भाई बहुत ही जबरदस्त, लिटरली गूज़बम्प्स आए। बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था यार, बहुत ही तगड़ा था। और आयुष्मान खुराना यार, बहुत दिनों बाद, वो तो ऑलरेडी उनका काम रहता ही है। वो वर्सेटाइल एक्टर यार, एक्टर है, सिंगर है, होस्ट है, वो मतलब क्या क्या नहीं है यार, मतलब यार। और इस सैल्यूट, ये मूवी जो है ना, बहुत ही एक क्रिटिकल इश्यू पे बनाई है। इस तरह के मतलब इस तरह के सब्जेक्ट पे बहुत कम मूवीज बनी है। जैसे कि हमारे देश का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट साइड, वहाँ की बात हमारे यहाँ तक ज्यादा आती नहीं है, टू बी फ्रेंक, बहुत कम आती है।
तो उस पे अगर कोई मूवी बन रही है तो ये बहुत बड़ी बात बड़ी है, है। बहुत ही जबरदस्त दिखा है कि वहाँ के कुछ रिबेल ग्रुप है, वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है तो उनके ऊपर ये मूवी मतलब दिखाई गई है कि इंडिया, और इंडिया मतलब ऐसा क्यों है कि हम साउथ में है, वो नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है या वेस्ट में है, सबको ऐसे इंडियन की तरह रहना चाहिए ऐसा है। मतलब लास्ट में जो डायलॉग था वो काफी जबरदस्त था, जो उन्होंने कहा कि आप साउथ में तो साउथ क्यों बोलते हो, नॉर्थ में तो नॉर्थ के क्यों बोलते हो, इंडियन क्यों नहीं बोलते, कैसे पहचानते हो, तो लैंग्वेज से पहचानते हैं कैसे, वो भी उन्होंने सवाल सही बात है। और यही बात है मतलब हमारे देश की यही खूबसूरती है कि विविधता में एकता, जो हम कहते हैं कि हर एक स्टेट का एक स्टेट की एक अलग पहचान है, हर एक स्टेट की लैंग्वेज एक अलग है, बट इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम एक ही देश में हैं, तो यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारा प्लस पॉइंट है, और यही हमारी आइडेंटिटी आइडेंटिटी भी है कि एज ए इंडियन ही हमारी आइडेंटिटी है, भले हम अलग अलग स्टेट से क्यों ना रहे। बिल्कुल। सो यार मजा आया लेकिन यार ये ट्रेलर देख के मतलब दिल को छू गया, छू गया एकदम। आयुष्मान खुराना यार उसका उनका लुक भी अभी कितना जबरदस्त है, काफी मैच्योर लुक लग रहा है अभी, थोड़ा सा उन्होंने वेट भी पुट ऑन किया है इस मूवी के लिए, लग रहा है थोड़ा सा। अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर जिन्होंने मूवी डायरेक्ट की है तो यार बहुत ही तगड़ा है। मुझे एक्ट्रेस है उनका नाम मुझे नहीं पता, वो जो है उनका मुझे थोड़ा सा अमेरिकन वाला फील आया, और उन्होंने जो कहा कि हमें सब चाइनीज बोलते हैं, तो ये बहुत से मूवीज में मैंने देखा है कि यार नॉर्थ साइड के अगर कोई रहते हैं वो इंडियंस भी हो सकते हैं ना यार, नॉट नेसेसरी कि वो सब चाइनीज हो, वहाँ की मतलब जियोलॉजिकल कंडीशन ही वैसी है कि वो वैसे दिखते हैं, तो उसमें उनका थोड़ी कुछ दोष है, वो इंडियन है यार, तो ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती है कि जब भी कभी ऐसा कोई किसी को बोलता है। तो मूवी तो काफी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही काफी डिफरेंट है और मजा आने वाला है, मतलब मूवी में हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा। बिल्कुल यार, सीरियस मूवी होने वाली है, एक्शन तो है ही यार, ऐसे मूवी से हमें बहुत कुछ ज्यादा पता चलता है हमारे देश के बारे में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ था, बिल्कुल, सब पता चलता है, बहुत सी चीजें पता चलती है। ट्रेलर काफी जबरदस्त था, काफी जोरदार था, अभी देखेंगे मतलब मूवी जब आएगी, जब मूवी देखेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें और क्या क्या दिखाया गया है ना। बिल्कुल। तो हमें तो ये ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा लगा, आपको अच्छा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करते रहो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।